नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में स्टेसी सिंह को जीत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर स्टेसी सिंह को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्टेसी सिंह की यह उपलब्धि देश और राज्य के लिए गर्व का विषय है। समस्तीपुर में आपसी रंजिश में खूनी खेल को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कल दिन में 12 बजे मारा था हमको, ठीक है ना। मारने के बाद हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद है ना, वहाँ से हम लोग आए, ठीक है। फिर आए तो बोला केस किस लिए किया, केस करने के कारण से हमको मारा, ठीक है, घर में घुस करके कि केस क्यों किया। फिर उसके बाद घर से पीछे से आगे रास्ता से दरवाज़ा तोड़ करके मारा गया। वो चक्कू रखे हुआ था और सैलून वाला जो आता नहीं है ब्लेड, वो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र स्थित बरगक्षिया गांव में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला है, जिसे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने घटना की जानकारी थाना में दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। रोसी के हालत में पड़े थे, तो उसके बाद से हम लोग ई रिक्शा जोड़ कर लेके गए लोग बेतिया, तो वहाँ पे MJK अस्पताल में हड़ताल था, तो वहाँ पे दूसरे डॉक्टर से हम लोग देखवाए लो, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और अभी तक ले हमको पता नहीं चला है कि किस कारण से मृत्यु हुआ है। और हम लोग थाना को 3 बजे के आसपास में फोन कर रहे थे। और लखीसराय जिले के बालगुदर गांव स्थित कस्बा बगीचा से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान बालगुदर ग्राम निवासी मिंटू कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक बीते 28 मार्च से ही लापता था, और जब उसकी छानबीन की गई तो कस्बा बगीचे से उसका शव बरामद किया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वह केस की पुष्टि हुई है, जिससे बिहार का कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा 1907 हो गया। तारीख रात से गायब है, बगीचा में गड्ढे में इसका छत भी क्षेत्र लाश मिला। हम खूब बहुत खोजबीन किए, तब छत भी क्षेत्र लाश मिला। इस संबंध में पुलिस में आवेदन दिए थे आप? पुलिस खोजबीन की थी? ना, पुलिस कुछ नहीं किया था। बिहार के करीब 4 लाख शिक्षकों को अप्रैल महीने से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। सरकार ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से शिक्षकों की सैलरी में 15% का इजाफा होगा। शिक्षा विभाग ने इसी कवायद शुरू कर दी है। सभी जिलों से शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन का ब्यौरा भी मांगा गया है। आपको बता दें कि अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले साल नियोजित शिक्षक करीब 74 दिन की हड़ताल पर थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने यह घोषणा हुई थी कि 1 अप्रैल 2021 से सभी शिक्षकों के मूल वेतन में 15% का इजाफा होगा। झारखंड के गुमला के परसा नवा टोली में डायन बिसाही के आरोप में 65 वर्षीय वृद्ध की निर्मम हत्या कर दी गई। मृत व्यक्ति की पहचान गांव के ही रंथू मुंडा के रूप में की गई है। वहीं हत्या के आरोप में 2 लोगों को टांगी के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। मतलब चारों परिवार सो गए थे, उसके बाद में वो लोग आया, दरवाजा पूरा फाड़ के पापा को निकाला और बाहर मार दिया। हम लोग का अंदर ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या लोग था? दो ही लोग अंदर घुसा था। 9 बजे रात को ऐसे हुआ। और फिर काका कुछ बोल भी रहा था मानस में? कुछ नहीं बोल रहा था, सीधे मार दिया। हाँ, घींच के ऐसे ही निकाला। तो गुमला से ये खबर आई, जहां पर डायन बिसाही के आरोप में एक वृद्ध व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है
और जो तस्वीरें हैं वाकई में चौंका देने वाली है कि आज 21वीं सदी की दुनिया में आज भी इस तरीके का जो अंधविश्वास है लोगों में है और इसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाकर जो लोग हैं हत्या को अंजाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। गुमला का यह मामला है जहां पर वृद्ध व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई है और हत्या का कारण है डायन बिशाही।